पूर्व पुलिस के महानिदेशक मेरे छोटे भाई श्री महेंद्र सिंह जी मलिक, सभी संस्था से जुड़े हुए सारे संस्था के डायरेक्टर्स मेंबर्स सभी का नाम लूंगा, मंच पर उपस्थित जो वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद, ऐसे सांसद जिनका अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा और चैलेंज करके कहते हैं कि मंजूर नहीं होगा, मुझे अच्छा लगा। हमारे मंच पर बैठे अभी पार्लियामेंट की बात छोड़ी है, मेजर जनरल रहे हैं, आर्मी के जनरल रहे हैं, जनरल डीपी सावंत साहब दिल करता है कि मैं खड़े होकर सलाम करें। हमारे आज इस कार्यक्रम में विधायक जी जुराना से अजीत सिंह जी डांडा, संस्था चेयरपर्सन श्रीमती कृष्णा जी मलिक, श्री एच एस भानु, के मलिक, आर एस मलिक, रणजीत छोरान, दलीप सिंह जी मलिक, पत्रकार, छायाकार व गुजर खिलाड़ी व दर्शक, बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी जीवन में बहुत काम करते एक आधा लहमा ऐसा आता है कि जिसे आदमी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हर जगह घड़ी देखते हैं कि जाना है जाना है, पर जब ऐसे प्रोग्राम में होते हैं ईमानदारी की बात है कि उठने को दिल नहीं करता कि देख ले। मैं मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरा इनसे परिचय 1970 में हुआ, क्यों देवीलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये उनके एडीआईजी सीआईडी थे और डीआईजी सीआईडी के महेंद्र सिंह मलिक होते थे। इनकी क्षमता, इनका सामर्थ्य मैं देखता था कि जब डीआईजी सीआईडी की जो वीरेंद्र सिंह जी ने देखी है उसकी हैसियत ये होती है कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट मीटिंग में बैठा हो और डीआईजी सीआईडी दरवाजा खोल के अंदर झाँक ले तो कैबिनेट मीटिंग छोड़ के जाते हैं कि कोई जरूरी कोई घटना होगी, इस करके डीआईजी सीआईडी की पूरी सरकार करती है। मुझे इस बात का फख्र है कि जो महेंद्र सिंह मलिक पहली बार जो देवलाल के एडीआईजी सीआईडी थे, जब दूसरा टेनर आया तो ये उनके डीआईजी सीआईडी थे और मैं इन्हें डीआईजी सीआईडी के तौर पे भी जा रहा हूँ, मैं इन्हें छोटे भाई के तौर पे भी जा रहा हूँ। जो देवीलाल जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो मैं उनका इलेक्शन एजेंट था, 1980 की बात। उससे पहले थोड़ी घटना बताऊं, आपको शायद याद होगा, हरियाणा के एमएलए भारत दर्शन पे चले गए थे, उसके बाद भजनलाल जी एमएलए बने थे, ये 1970 की घटना है। उस वक्त वो कहाँ है, उनको कैसे एमएलए को पकड़ना है, इसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा था। ये पंजाब की घटना हो गई थी उग्रवाद की, हरियाणा पे नहीं ला के वो पंजाब में निपटाया, वो भी इनकी एक कार्यशैली के रंग का एक जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन था। अच्छे डीजीपी रहे हैं, पुलिस में भी हम सोचते हैं कि अगर नफरी किसी को ज्यादा मानती थी तो वो महेंद्र सिंह मलिक थे, क्योंकि इनका प्रोग्राम है अच्छा ग्रह तो मैं इनकी अन्याय करूंगा अगर इनकी बात में सामने नहीं कहूँ। आज बच्चों का स्पोर्ट्स का कार्यक्रम है, कुछ इवेंट्स हमने सामने देखे, कुछ अलग अलग चर्चा करी, मैं देखा हूँ लंबा नहीं करके कुछ बातों को, कुछ उन्होंने कह दी मैं थोड़े में कहूँ, जो उन्होंने नहीं कही वो मैं कह रहा हूँ। स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत बड़ी चीज है, वीरेंद्र सिंह हम मेंबर हो या नहीं हो, एक सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट कैसा है कि जिसमें एक्स एमपी भी बैठते हैं और मौजूदा एमपी भी बैठते हैं, वहाँ चर्चा होता है। जब गोल्ड मेडल आते हैं तो सारे एमपी हमारे पास आके चारों तरफ बैठ जाते हैं कि कितने किस किस ने मेडल जीता। मैं गलत नहीं कह रहा, पूरे देश के जितने गोल्ड मेडल आते हैं उसमें 70% अकेला हरियाणा लेके आता है और आज मैं इस इंस्टीट्यूशन में उस संस्था में खड़ा हूँ जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि सारे स्पोर्ट्स का हक भी निगरानी गाँव है, जो हरियाणा का 70% से है उसमें बच्चे तो यहाँ से पैदा होते जा रहे हैं, यहाँ से 200 बच्चे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आप कहीं भी गिन लो, चंद्री राम से लेके अब तक संजय पहलवान, कुश्ती में तो हमारा रिकॉर्ड रहा,
कबड्डी में भी ये एशियन गेम्स आते हैं, उसमें ओलंपिक नहीं होते हैं। उसमें हमारी जो टीम जाती है उसका 80% लड़के केवल हरियाणा के होते हैं, एक महाराष्ट्र का होता है, एक पंजाब का, बाकी सारा हरियाणा होता है जो गोल्ड मेडल जीत के आती है। बॉक्सिंग में हमारा नाम है, अंग्रेजों के हम रेड कार्पेट बिठाते थे, आज विजेंद्र सिंह के लंदन में बिछ रहे हैं, हमारे लिए बात फख्र की बात है। मनु भाकर हमारे स्पोर्ट्स में ले लो, पिस्टल में, और ऐसे बैडमिंटन में जो वीरेंद्र सिंह जी ने जिक्र किया, पीवी सिद्धू का, तो अगर इतिहास खोल के देखें तो स्पोर्ट्स का तो सारा इतिहास हरियाणा से भरे पड़ा है। हमारे लिए इनका यूनिवर्सिटी की मांग करना बड़ा जस्टिफाइड है। हम तीनों में कोई मुख्यमंत्री तो नहीं है, और मैं इन्हें एक बात कहूंगा, माफ करना चाहिए वीरेंद्र सिंह, आपकी पार्टी में मैं तो स्पोर्टिंग पार्टी में हूँ, अभी एक महीने नहीं आया हूँ आपकी पार्टी से, मेरा मनोलॉजी का बहुत लंबा परिचय नहीं है, और जो एक महीने में मैंने देखा उनकी वही आत्मा है जो चरण सिंह की, जो देवीलाल की थी, गांव में पैदा हुए, सिवाय किसान के, स्पोर्ट्स के, और दूसरी बात नहीं देखते। मुझे भरोसा है आप भी दोनों मेरे साथ चलो, हम तीनों इस मांग को रखेंगे, अगर ये पूरा ईमानदारी से हम तीनों कह दें, मैं नहीं मानता कि हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं हो। मैं मलिक साहब से भी कहूँगा कि अगली बार इसी साल में फिर करो, 2020 में ओलंपिक है, और मैं विशफुल थिंकिंग है मेरी कि यहाँ के बच्चे उसमें गोल्ड मेडल लेके फिर हरियाणा सरकार का भव्य समारोह होगा, और उसी पर हम यूनिवर्सिटी को अनाउंस करने का काम करें, मेरे हाथ होता तो मैं आज ही कर देता। नंबर तीन, वो तो जो वीरेंद्र सिंह ने घोषणा कर दी, इसमें कोई और जोड़ने तो जो वीरेंद्र सिंह आपको, फिर हम बड़े भाषी हैं, फुल पावर है, इन्होंने 10-10 कहा जी, मैं उनकी परमिशन के बिना तो नहीं बोलूंगा, पर साहब इजाजत देंगे इसे 15-15 करते, हमने 15-15 कर दिया, और जो वीरेंद्र सिंह का फिर डेढ़ तो आता नहीं, फिर तो दो आई, पांच कितना दे सकते हैं जो वीरेंद्र सिंह, बड़ा छोटे छोटा भाई बड़े से मांगे तो खोल के कह देना चाहिए, क्या तू कहेगा वही हो जाएगा। नहीं, ये तो आपने हम दोनों का कर दिया, तो फिर हम उससे मोर तो आपकी लगवाएंगे ना, चलो जो भी जो वीरेंद्र सिंह करे एक ही बात है, तो मजाक की बात है, हमारा आपका प्यार है, जो मलिक साहब कह देंगे वही कर देंगे, मेरे इनके तो 70 से रिश्ते हैं। और मैं ये भी कह के जा रहा हूँ, मैं वत साहब बैठे हैं, जो वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, जो वीरेंद्र सिंह खाने पर बुला ले, चाहे मेरे खाने पर आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री जी के, या हम चाहे मान के चले जाए, हम तीनों चले जाए, आगे होके मैं कर दूंगा, मुझे डिफॉल्टर बना देना, मैं कहूंगा कि सीएम साहब आपकी जगह बहुत साहब हम तीनों गए थे, आपने उस कार्यक्रम में जाना था, मैं तो 51 लाख, उन्होंने जुर्माने लगा दिया कि मुख्यमंत्री जी नहीं आए, तो आप कितना दोगे, तो भाई आप साथ देना, करोड़ों 51 लाख से तो कम उनसे नहीं लेंगे, तुम साथ दे देना। अगली बात करूंगा, बहुत बातें कहने की, मैं थोड़ी सी श्रद्धा से शुरू करूंगा, बहुत साहब ब्राह्मण आदमी है, इन्होंने चर्चा कर दिया, जाटों का घना चर्चा कर दिया, हम जैसे क्या इन्होंने बहुत बोल गए, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हरियाणा में होगा, जात पात का सारा ही खत्म हो जाए, बहुत अच्छे बोले, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, ब्राह्मण में तो है नहीं, बहुत साहब आप जानते नहीं कि आपका स्थान हमारे समाज में कहाँ है, ब्राह्मण गाँव में, हम तो चुटाला गाँव में, अगर 5 साल का बच्चा मिले उससे दादा कहते हैं, पता नहीं बहुत में क्या कहो, हम उसे दादा कहते हैं, और परमात्मा ने भी इतना आशीर्वाद दिया है, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा कि ब्राह्मण कई बार मेरे घर बड़ी पूजा करते हैं, मैं तो मानता हूँ सारे परमात्मा को, जीन वाले तो नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ, तो मैं तो पूरा सब देवताओं को मानता हूँ, तो कई बार घर में पूजा होती है, नवरात्रों की होती है, और होती है तो ब्राह्मण होते हैं, वो जो कहे घर वाले राजी होते हैं, खिलाते हैं पंडित जी को, दूध दो, पक्की रसोई दो, कौन सा दो, इन्हें क्या पसंद है, खीर पसंद है, हलवा पसंद है, कौन सा पसंद है, कोई बना के दो, रसोई में ऑर्डर हो जाता है, कई बार हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ ब्राह्मण दादा इतना मीठा खाते हो, दूध में भी बादाम डाल के पीते हो, और उसके बाद आपको शुगर नहीं होती, बोले परमात्मा का वरदान है, आप कहीं देख लो ब्राह्मण को वो नहीं होगी,
दूसरा मैं कहता हूं इतने शाने हैं कि सारी सृष्टि तो इन्होंने हम क्रिटिसाइज में करते हैं कि ब्राह्मण डंगा दादा ठगी वर्द है, पर हम बाद में ये भी कहते हैं जब घर में प्रोग्राम हो ना, शादी का हो, बच्चे का कुछ हो, किसी का नामकरण हो, कहते पंडित जी देखना पूरा टाइम लगाना है सारा विधि विधान से पूछा था उससे, तो हम ये भी कहते हैं कि बढ़िया काम कर दो। इन्होंने जब रचना करी ना, साहब सुनना मेरी डायरी गलत नहीं है, जो पटेल हुए वो खाली गुजरात में है, रेड्डी हुए आंध्रा में है, जाटका साहब हुए तो हरियाणा में है, राजस्थान में थोड़ा, यूपी में थोड़ी सी पॉकेट, मध्य प्रदेश में दिल्ली सूबे में कर लो, और इसके बाद जो और कौमें हुई है वो ठाकुर हुआ है तो वो राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, थोड़ा गुजरात में हो गया, बिहार में हो गया, पर ब्राह्मण है ना पूरी दुनिया में, केरल में भी चले जाओ, आसाम में भी चले जाओ, मिजोरम में भी चले जाओ, और जैसे ट्रस्ट बनता है ना 51% शेयरिंग का, फिर ये दूसरों के कब्जा पूरा करे रखे, आज तक समाज पे कब्जा कर रखा है, हमारा जी समाज को दुरुस्त भी आप ही कर दो। थोड़ा के वीरेंद्र सिंह जी ने चर्चा कर दिया हमारे परिवार का, ओम प्रकाश जी का भी, अभय का भी, मेरी भी मित्रता दिखा दी होगा सबसे, खुला मुझे थोड़ी सी मैं देखूंगा, अगर बंद का हो तो रोक देना, मैं उसी वक्त बंद हो जाऊंगा। आप स्पोर्ट्स में होंगे या नहीं होंगे, राजनीति में तो हम हैं, मेरे चारों मोटे लगा दिए थे, फिर भी 32 साल के बाद कुश्ती बिगाड़ के आ गया। तो देवीलाल का परिवार ऐसा है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, इस दफा विधानसभा का सेशन शुरू हुआ ना, मोटा साहब भी दूसरों के नाम नहीं लूंगा, चश्मा निकाल के पोच पोचे लगा के देखे, बोल एक वो बैठा, एक बोले वो बैठा, दो ये यहाँ बैठे और एक आ गया, हम से देवीलाल परिवार के 5 विधानसभा बैठे, अगर लोगों से प्यार नहीं होता तो 5 नहीं बैठे। थोड़ा सा आगे बढ़ के भी कहूंगा कि देवीलाल के ऐसे स्कर्ट मिजाइल हैं कि कहीं फेंक दो धमाका करते हैं ब्लास्ट हो जाता है। चुटाला से उठे नरवाड़ा में करके, चुटाला से उठे उचाड़ा में करके, हमारे घर की बहू भी गई अपने चौथन सलाल के बेटे को भी रिहा के आ गए, तो भाई कुछ ना कुछ तो लोगों से जुड़े हुए, काफी थोड़े हाथ तो नहीं जोड़ते। अगली बात पे आ जाऊं, मुझे समझा रहे थे कि चरणजीत सिंह गुरराने से मिलता है, या जी सर ये नहीं करते, देखिए मैं एक पुरानी घटना बता रहा हूँ, क्या बुजुर्ग हम सब देखते हैं, 87 से 90 तक जो देवीलाल की पूरी फौज का इंचार्ज रणजीत सिंह था, न्याय युद्ध लड़ा था तो ओम प्रकाश जी नहीं थे, मैं था, ये गलत नहीं कह रहा, सारे बैठे हैं ये कहना गवाही दे लो, मैं भी गवाही दे रहा हूँ, और 3 साल सरकार कहीं नहीं गई, ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, शुभेंद्र सिंह देव जी ये भी नए पहुंच के राजीव गांधी के साथ, नैन की घटना हुई है, मेरे सामने वजीर से इस्तीफा देने का सवाल नहीं था, सवाल ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर की भी मुट्ठी तब घुलती थी जब जो देवीलाल कहते थे, और हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा जो देवीलाल जब चरण सिंह को डिसमिस कर दिया, रैली करी थी दिल्ली में, ये कह के रहे थे कि मैं किसान पहले और मुख्यमंत्री बाद में, जो देवीलाल ने रिमोट कर दिया था, और मैं जब ओम प्रकाश जी की घटना हुई मैं सगा छोटा भाई था, मैं कैबिनेट में एग्रीकल्चर एक्साइज एंड टैक्सेशन लाइन जस्टिस 3 मंत्रालय थे, मैं कार्ड पे मैं इस्तीफा दे के बाहर निकल गया, गुरराना तो बहुत बड़ी बात होती है, मैं तो उससे भी आ गया था कि घर जाऊंगी तो माँ क्या कहेगी बाप क्या कहेगा, मैंने ये भी नहीं सोचा, हम तो जिस बात को ले लें फिर इंजाम लेते हैं, जीवन क्या रे दे रहे इस बात की कभी परवाही नहीं करे। शुभेंद्र सिंह आत्म सम्मान से राजनीति करता हूँ, मैंने ओम प्रकाश की भी परवाह नहीं करी, मैं काम करूंगा, मैं अच्छी बात भी कहूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट जीत गया था, मेरे सामने जितनी पार्टी है सबकी जमानतें जब्त, एक भी नहीं बचा था, और 19,500 से जीता हूं, और ये बता दूं कि मुझे भी चीफ मिनिस्टर, मैं आपकी पार्टी में बहुत दिन रहा,
चाहे वो सरकार भी राख है तो आपने किसी ने उंगली नहीं पकड़ी ना भुट्टा थे आप थे चाहे वो तुलसी राम थे भजनराम थे मुझे तो शुरू से ही काटने का काम हो गया और मैं आज अब जीत के आया हूँ। क्या हुआ नहीं हुआ इस बात को नहीं देखा। मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि रणजीत सिंह आप चुनाव जीत रहे हैं, ये चुनाव से रिजल्ट आने से पहले दिन की बात है। मैं कहने लगा जी बहुत अच्छा लगता है, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे नाम पे मोहर लगा दे तो मैं तो एकदम 100% ही हो गया कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं आपका धन्यवादी हूँ। कहने लगे हमें आपका साथ चाहिए। मैं कहने लगा कि लिख लो ये मुख्यमंत्री जी से कही मैंने कि अगर कांग्रेस के 61 भी आ गए और आपके 28 भी आए तो रणजीत सिंह कांग्रेस के दरवाजे जिससे मुझे टिकट नहीं मिले इतना आत्मसम्मान रखता हूँ, इतनी गहरत है, इतनी जमीर में वहां नहीं जाऊंगा, मैं 28 में मेरा नाम लिख लो मैं आपके साथ हूँ। और इसी बात से मुझे आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे लेते ही कैबिनेट में इतनी बड़ा पावर मिनिस्ट्री बहुत बड़ा मामला है, इसमें 20,000 करोड़ की परचेज आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने मेरी सच्चाई पे मेरी ऑनेस्टी पे विश्वास करके इतना बड़ा जेल मंत्रालय दे दिया। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें गांव में गाड़ियों में मैक्सिमम गाड़ियाँ भी लगती फाइव होंगी 7,000 में होती है, 3 बल्ब एक पंखा और एक मोबाइल चार्ज करने का स्विच उसमें काम करेगा। मैं लोग तो बैठे हैं, समाज भी बैठे हैं, सभी बात बैठे हैं, एक भरोसा विश्वास देता हूँ कि रणजीत सिंह ज़्यादा मनुष्य के चक्कर में नहीं रहता। 6 महीने में मैं दिखा दूंगा कि रणजीत सिंह आया कुछ कर रहा है तो फिर मुझे मानना नहीं तो मेरा बेकार है। मैं ऐसे आयोजन करूँ हमेशा साथ रहूँगा, कभी भी इस संस्था से सदा के लिए जुड़ के जा रहा हूँ। अगर मंत्री रहूँ नहीं रहूँ जब भी मलिक साहब मुझे हुक्म करेंगे आपकी हर संस्था के हर प्रोग्राम में आऊंगा, अगले साल भी आऊंगा, उसी अगले साल भी आऊंगा, उसी अगले साल भी इस संस्था को आगे बढ़ाऊ। बच्चे हमारे हैं, हमें इनका कैरियर बनाना है। हमने जीवन में हम तीनों बैठे हैं सब कुछ देख लिया, मैं 70 का हो गया, एक आध ऊपरी हूँ, बहुत साहब हमसे थोड़े छोटे होंगे इतने, और जो वीरेंद्र सिंह हमने आपके क्या कहते हैं मानव में युधिष्ठिर तो आप हैं, हमने बड़े हैं सब में सबसे बड़े भाई हैं पांचों पांडवों में। तो मैं कहने का मतलब कि हमने जीवन का सब कुछ देख लिया, अब तो बच्चों का करना है, हमें कभी भी हुक्म कर हाजिर होगा। मन से कुछ छोटी मोटी बात में कह गया कि